हेलो। लास्ट क्लास में क्या देखा था अपन ने? बैकग्राउंड, टेक्स्ट, फॉन्ट और शेडो। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या देखते हैं? फिल्टर एंड फ्लोट प्रॉपर्टीज। तो फिल्टर क्या होता है? जैसे जो अगर तुम्हारे मोबाइल में भी ऑप्शंस आते हैं जिसमें फ़ोटो को हम तुम लोग फिल्टर कर लेते हो, है ना, तो उसी तरीके से फिल्टर ऑप्शन CSS में भी हैं। तो जस्ट आपको क्या लिखना होता है? फिल्टर प्रॉपर्टी का नाम, और इसमें जैसे ग्रे करना है, ब्राइट करना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, शेडो देना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो मैं कुछ प्रॉपर्टी के पहले नाम लिख रहा हूँ, फिर इनका यूज़ करते हैं अपन। तो सबसे पहले ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में अगर हमने 100% दे दिया तो वो पूरी पिक्चर ग्रे हो जाती है। फिल्टर। इसके बाद होता है सीपिया। सीपिया करने से थोड़ा सा उसमें येलोनेस आ जाता है पिक्चर्स में। ठीक है, एक होता है फिल्टर ब्लर। ब्लर में आपको पिक्सल्स में बताना है कितने पिक्सल उसको ब्लर करना है। फिर फिल्टर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस कितनी इंक्रीज़ करनी है वो आप परसेंटेज में बताओगे, 100%, 200%, 300%, जितना भी हो। फिल्टर कॉन्ट्रास्ट। कंट्रास्ट भी आप परसेंटेज में ही बताओगे। फिल्टर कंट्रास्ट हो गया, ब्राइटनेस हो गई, ब्लर हो गया, सीपिया हो गया, ग्रे स्केल हो गई, और ड्रॉप शेडो ऐसा लिख सकते हैं। इसमें वही चीज़ आएगी जो हम शेडो में लिखे थे, एक्स वाई ब्लर और कलर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये भी शेडो लगाता है। फिल्टर ब्लर सीपिया ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डेप्थ शैडो ग्रे स्केल। चलो और याद आएगी तो देखते हैं, फिलहाल इतनी देखेंगे। और फ्लोट में जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो फ्लोट ओनली यूज़ फॉर अलाइनमेंट। किसी भी डिप को अलाइनमेंट करने के लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं, या तो इससे लेफ्ट कर सकते हैं या फ्लोट राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं। एक मैंने फाइल बनाया, इसको सेव किया, फिल्टर डॉट एस टी एम एल। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स। एक इमेज ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा अच्छा कलर हो। अभी लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था इसको, इमेज को। एक डाउनलोड ही कर लेते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी लगती है कलरफुल में। कोई भी मैं एक इमेज ले लेता हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा कलर समझ में आएगा, लाइक दिस पिक्चर ले लेते हैं, सेव करते हैं। बैडिंग लिख देता हूँ, बैडिंग ओनली। इस पिक्चर को हम अपने फिल्टर इसमें यूज़ करते हैं, तो हमने लिखा IMG SRC वैडिंग डॉट JPG। इसकी जो विड्थ है वो भी सेट कर देते हैं 200 पिक्सल, हाइट 180 पिक्सल, और इसको चेक कर लेते हैं एक बार। फिल्टर फिल्टर ये रहा। बहुत फास्ट चल रहा है ये। एमआगी में थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं, थोड़ी कंप्रेस हो रही है, तो इसकी विड्थ 240 कर देते हैं। अब ठीक है, ओके। अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो मैं इसको एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ, IMG1 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम CSS लिखते हैं। हैश IMG1। इसमें मैंने लिखा फिल्टर
ग्रे स्केल, और यहाँ पे क्या दे दिया 100%, तो तुम देखोगे कि इमेज पूरी ग्रे हो जाएगी, ठीक है, फिल्टर हो गई ऑटोमेटिकली। दूसरी इमेज इसी तरीके की कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारी, सबको अलग अलग आईडीज दे देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, जितनी यूज़ होती जाएंगे उतनी करते जाएंगे। फिलहाल हमने इस पे क्या अप्लाई किया है, ग्रे स्केल, ठीक है। दूसरी इमेज पर हम अप्लाई कर रहे हैं सीपिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीपिया 100%। सीपिया में देखो थोड़ा येलोनेस हो गया। इसके बाद ब्लर करते हैं, थर्ड यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्लर, यहाँ पे दोगे पिक्सल्स में वैल्यू, तो मैंने इसे अगर 2 पिक्सल ब्लर किया तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हो गया ब्लर, ठीक है। इसके बाद ब्राइटनेस, फोर्थ पिक्चर पे हम ब्राइटनेस लगाते हैं, तो ब्राइटनेस में मैंने इसे 100% लिखा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसको, फोर्थ इमेज को कोई फ़र्क पड़ा नहीं। आप इस 100% तो ऑलरेडी वो है, 200% देता हूँ तो देखो बढ़ रही है ब्राइटनेस, तो कम भी कर सकते हो, 10% 20%, तो उसका ब्लैकनेस आ जाएगा, जिसने सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, ब्लैक हो गई, 20 लिखो थोड़ा सा दिखेगा, हल्का हल्का सा दिख रहा है, देखो आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसके ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट, फिफ्थ कॉन्ट्रास्ट, इसमें मैंने 100% दूंगा तब तो भी इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ, अब 200% देके देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है ना, कॉन्ट्रास्ट उसकी कलर की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है थोड़ी सी। सिक्स्थ कॉन्ट्रास्ट भी हो गया, ब्राइटनेस भी हो गया, ब्लर भी हो गया, सीपीए भी हो गया, ग्रे स्केल भी हो गया। इसके बाद सेचुरेशन, सेचुरेट में मैंने लिखा 200%। सेचुरेट में कलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, कलर की मतलब जो कलर उसमें एग्जिस्ट हैं उनको थोड़ा सा और स्ट्रेंथ बढ़ा देता है उनकी, जैसे आपकी कोई इमेज प्रॉपरली दिख नहीं रही तो आप सेचुरेशन उनका बढ़ा देते हो, है ना। तो ऑब्वियसली देखो ये इमेज और इस इमेज में कितना फ़र्क है, उससे कलर की इसमें सभी डार्क हो गए हैं, इसमें थोड़े से लाइट हैं, तो सेचुरेशन में ये होता है, 300 कर दूंगा तो और बढ़ जाएगा, ये देखो थोड़ा सा और कलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब जो भी रेड कलर है तो रेड की बढ़ जाएगी, पिंक कलर है तो पिंक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा। हैश IMG 7, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर में एक ओपेसिटी था, ओपेसिटी में 10 दे दिया, इसमें पिक्सल्स में जाएगा कि पॉइंट में जाएगा, टू परसेंट 0.1%, तो बहुत ज़्यादा हो जाया था, आ गई, पिक्सल्स में काम नहीं कर रहा, हो रहा है। ओपेसिटी मतलब होता है कि वो थोड़ी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट होती चली जाएगी, है ना, किसी इमेज की ओपेसिटी हम परसेंटेज में ही बताएंगे। एक और देख लेते हैं, एक और हम यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, 8 इसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप शैडो, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ड्रॉप शैडो, इसमें मैंने वही बोला था 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल रेड जो भी देना हो कलर, तो शैडो लग रहा है इसमें, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये सबसे पहला कौन सा हुआ, ग्रे स्केल, सीपिया, ब्लर,
कंट्रास्ट, सेचुरेट है, सेचुरेशन ये वाला है, यही है ना। तो ये क्या है, ये ब्राइटनेस है, ये कंट्रास्ट है, ये सेचुरेशन है, ये ओपेसिटी है, ये ड्रॉप शेडो है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे फिल्टर समझ में आ गया। फिल्टर के बाद है फ्लोट, फ्लोट में मैंने बताया था कि दो ही प्रॉपर्टी होती हैं, या तो लेफ्ट कर सकते हो या राइट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाता हूँ, कुछ इस तरीके का बनाते हैं। अभी तुम लोगों को इस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट में, कोई एक सेक्शन बनाना है जिसके अंदर तीन सेक्शन बनाने हैं, या चार बनाने हैं, पाँच बनाने हैं, या दो ही बनाने हैं, जितने भी सेक्शन बनाने हैं इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। अभी तक हम सीधा सीधा बना रहे थे, अभी हम डिव ऐसे बॉक्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सपोज़ मान लो ये जो बाहर वाला डिव है, इसको मान लेता हूँ, एक आईडी देता हूँ सेक्शन, ठीक है, बाहर वाले के लिए। जो अंदर हैं तीन, तो इनको दे देते हैं कॉल वन, कोई भी नाम दे दो, कॉल टू, कॉल थ्री, ऐसे ही है। तो अब मैं इसको CSS कैसे दूंगा, इसको रन भी कर लो। यहाँ CSS लिखते हैं, हैश सेक्शन, इसकी विड्थ दे दी मैंने 90%, मिनिमम हाइट 250 पिक्सल, और एक बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और मार्जिन दे दिया ऑटो। तो ये सेंटर में भी आ गया, इस तरीके से बन गया आउटर वाला। अब इसके अंदर हैं तीन, तो मैं कैसे लिखूँगा कि सेक्शन के अंदर हैश कॉल वन की बात कर रहे हैं, सेक्शन के अंदर वाला डिव, तो उसको मैंने कितना दिया, देखो टोटल 100% मान के चलोगे, उसमें से पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम को कितना दे रहे हो, 33% मैंने उसकी विड्थ दी। मिनिमम हाइट सेम रखोगे, और इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, सपोज ये आ गया इस साइड। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, टू के लिए बनाऊँगा, थ्री के लिए बनाऊँगा, थ्री और टू और थ्री, और यहाँ पे इसको देते हैं ग्रीन और इसको देते हैं ब्लू। तो अभी देखोगे तो तीनों एक दूसरे के नीचे आएंगे, क्योंकि हर डिव अपनी एक नेक्स्ट लाइन लेता है, मुझे चाहिए इसके बगल में, तो यहाँ पर फ्लोट यूज़ होगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर डिव को बोला कि भाई तू लेफ्ट में हो जा, तो इसको फ्लोट लेफ्ट में बोल दिया, तो ये अपनी जगह ले लेगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड में फिक्स कर लेगा। कौन से वाले ने कर ली, रेड वाले ने। फिर मैंने कॉलम टू से बोला कि तुम भी भाई फ्लोट लेफ्ट चले जाओ, लेकिन जब ये लेफ्ट जाएगा तो लाइन में लगेगा कॉलम वन के, तो इसके पीछे लग जाएगा लाइन में, ग्रीन आ गया। अब तीसरे वाले को भी बोल दोगे भाई तुम भी लेफ्ट में चले, तुम क्या कर रहे हो, तो वो भी उसके पीछे लाइन में लग गया। तो इस तरीके से हम एक क्यूब में डाल रहे हैं उसको, समझ आ गया। लेकिन ये क्या है, 1% का गैप आ गया, 33 33 33 99, तो हम क्या करते हैं, बीच वाले को 34 कर देते हैं, फिक्स हो जाएगा ऐसा, ये लास्ट वाले को फ्लोट राइट कर देते हैं, ये समझ में आ गया। अगर मैं 33 ही रहने देता, और ये इस गैप का यूज़ मैं इन दोनों के बीच में करना चाहता हूँ, तो मैंने लास्ट वाले को क्या कर दिया, फ्लोट राइट, और इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से खसका दोगे सेकंड वाले को, तो मार्जिन लेफ्ट से इसको 6 पिक्सल दे देते हैं, हल्का ज़्यादा हो गया, 3 दे देते हैं, ये डिवाइड हो गया गैप। तो इस तरीके से हम सेक्शंस बना सकते हैं, समझ में आ गया।